ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में पंजाबी महासभा आयोजित साईं संध्या का धूमधाम से आयोजन किया गया। इस मौके पर एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमएस बिट्टा, सोलन के विधायक धनीराम शांडिल, पूर्व सांसद बीरेंद्र कश्यप, खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। साईं संध्या में विश्व विख्यात बजिंग गायक पुनीत खुराना ने साईं भक्तों से सारे शहर को भक्तिमय रस में सरोवर कर दिया। सोलन में पंजाबी महासभा द्वारा आयोजित साईं संध्या का धूमधाम से आयोजन किया गया। इस मौके पर एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमएस बिट्टा, सोलन के विधायक धनीराम शांडिल, पूर्व सांसद बीरेंद्र कश्यप, खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। साईं संध्या में विश्व विख्यात भजन गायक पुनीत खुराना ने साईं भजनों से सारे शहर को भक्तिमय रस से सराबोर कर दिया। उपस्थित दर्शक मधुर भजनों में झूमते नजर आए। इस मौके पर एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमएस बिट्टा ने जहां एक ओर आयोजकों को सफल आयोजन की बधाई दी, वहीं उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि धारा 300 कैंसर की बीमारी की तरह थी, जो 70 वर्षों से देश को खोखला करने का काम कर रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे जड़ से ही उखाड़ दिया था। उन्होंने कहा कि इसका आने वाले समय में ये सुखद पहलू रहेगा कि जो बच्चे आतंकवादियों के हमले से यतीम होते थे और माताओं बहनों के सुहाग उजड़ते थे, उन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगेगा। JNK पूर्ण रूप से भारत का हो चुका है, जल्द ही POK भी भारत का होगा, ये उन्हें पूर्ण उम्मीद है। इसको इसलिए कामयाब मैं कहता हूँ, कई वर्षों से आप लगे होंगे कि हमारी भारत माता की सीमाएं सुरक्षित रहे, हमारा भारत मुकम्मल आजाद हो। 70 साल की कैंसर की जी बीमारी कश्मीर के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने फेंक के वो मारी और इस भारत को मुकम्मल आजाद किया है। रोज हमारे जवानों की शहादतें होती थी, रोज बहनों के सुहाग उजड़ते थे, रोज बच्चे यतीम होते थे, कहीं बम कहीं गोलियां, हर तरफ बम्बों और गोलियों की आवाज आती थी, पर वो बहादुर योद्धे ने आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से ऐसा उन्होंने काम किया कि सदा के लिए आतंकवाद को समाप्त कर दिया। आज हमारा भारत मुकम्मल आजाद है और आज की जो हमारी प्रेयर होगी आने वाले वक्त के अगले साल के अंदर ऑक्यूपाई कश्मीर भी आपके पास होगा और हमारे भारत को मुकम्मल आजादी मिलेगी। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।